ये देखिए यहाँ पे जो वाल्व है ये खुल जाता है और इसके थ्रू से ये एग्जॉस्ट खुलता है। एक बार फिर से बंद करके लगा के दिखाओ तो ये देखिए वाल्व अभी बंद हो गया है। खोल टॉक एग्जॉस्ट का एंटोर्क का साउंड कुछ इस तरह है। ऑस्टिन रेसिंग भाई होता है हाँ। तो दोनों को कट करके हाँ। इसको बंद कर दिया हाँ। और एक बार देख लो यहाँ पे ऑस्टिन रेसिंग है, यहाँ पे स्टॉक एग्जॉस्ट है। आप लोगों ने ऐसा अनोखा स्कूटी कभी नहीं देखा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी वेल्वेटोनिक एग्जॉस्ट सिस्टम देखी होगी कार्स पे, बट आज हम लोग लाए हैं ऐसा वेल्वेटोनिक सिस्टम जो किसमें पता है, एंटोर्क में यार। सो गाइस, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वेल्वेटोनिक एग्जॉस्ट सिस्टम जो कि स्कूटी में लगा हुआ है। भाई साहब, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत सारी वेल्वेटोनिक एग्जॉस्ट देखी है, वो भी कार्स में और हाई एंड बाइक्स पे, पर आज पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि कोई एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा, उसको मैं क्या ही कहूँ, उसका दिमाग इतना ज़्यादा है, उसने एंटोर्क में ये चीज़ पॉसिबल करके दिखा दिया है। जिस बंदे ने ये काम किया है वो ये रहा भाई साहब, जेहोवा। से हाई टू द ऑडियंस ब्रो। सो भाई ने इसमें एक ऐसा काम किया है, यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, ऑस्टिन रेसिंग का वेल्वेटोनिक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और कैसा काम हुआ है और कैसे काम करती है ये चीज, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। और भाई, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आइडिया कैसे आया कि इसमें वेल्वेटोनिक एग्जॉस्ट इंस्टॉल करना है? पहले मैं तो बहुत देखा है, उसमें हम लोग का जो टीनेजर्स लोग का है हाँ। वो साउंड से मतलब है हाँ। तो इंडिया में ऐसा चीज हो गया, मतलब एग्जॉस्ट लगाना इलीगल है हाँ, इंडिया में एग्जॉस्ट इलीगल है तो, हाँ। बट तुम जेंडर चेंज कर सकते हो, वो लीगल हाँ, है। जेंडर चेंज कर सकते हो, वो लीगल है, बट एग्जॉस्ट इज इलीगल हाँ। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना दो एग्जॉस्ट लगा दो हाँ। तो एक खुला रहेगा हाँ। और एक बंद रहेगा, जब मर्जी वो खुल सकता है हाँ। तो कार से सब भी देखा है हाँ। तो क्यों ना एंटोक में भी ट्राई करेगा हाँ। तो भाई ने ये चीज पॉसिबल करके दिखाया एंटोर्क में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं बिलीव नहीं कर रहा था पहले कि ये एक डबल सिस्टम एग्जॉस्ट है। एक्चुअली यहाँ पे एक वाल्व है, वो वाल्व जब खुल जाता है तब इस वाले ऑस्टिन रेसिंग से आवाज़ निकलता है, और जब हम लोग वाल्व को बंद कर देते हैं तब ये वाला एग्जॉस्ट बंद हो जाता है और डायरेक्ट स्टॉक एग्जॉस्ट से आवाज़ निकलती है। और भाई साहब, मैंने ये काम जो है अपने आँखों से पहली बार देखा है। यहाँ पे बहुत सारी सिस्टम लगी हुई है, सब कुछ आप लोगों को धीरे धीरे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं। सबसे पहले सुना दो ज़रा भाई साहब स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड। तो गाइस यहाँ पे सुन सकते हैं स्टॉक एग्जॉस्ट का एंटोर्क का साउंड कुछ इस तरह है। अभी एक बार ऑस्टिन रेसिंग भाई। भाई साहब, नेक्स्ट लेवल सिस्टम बनाया है भाई ने। तो बेसिकली ऑफ कर देते हैं। तो बेसिकली वेल्वेटोनिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसपे आप लोग दो एग्जॉस्ट लगा सकते हैं और अपना स्टॉक एग्जॉस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक वाल्व होता है, जो वाल्व जब आप लोग उस यहाँ पे एक कोई एक सिस्टम होगा, एक स्विच होगा, जिस स्विच को आप लोग ऑन करते वक्त यहाँ पे एक वाल्व होता है, वो वाल्व खुल जाता है और उसके थ्रू से हवा यहाँ से, जो एग्जॉस्ट गैस है सब यहाँ से निकलती है और साउंड यहाँ से आता है। और जब इस वाल्व को आप लोग बंद कर देते हो तब ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ही बंद हो जाता है और सीधा ही हवा जो है एग्जॉस्ट गैस वो यहाँ से निकल के आता है। बेसिकली ये सब चीज़ें हाई एंड कार्स पे और बाइक्स पे होती है, बट आज पहली बार मैं देख रहा हूँ एंटोर्क में लगी हुई ये जो चीज़ें, और मुझे लगता है कि ये वन इन हफलोंग है, पूरे हफलोंग में वन पीस है ये। हाँ, वन इन इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि आज तक मैंने देखा ही नहीं है ऐसा कोई एक स्कूटी में भी कि ऐसा किसी ने परफॉर्मेंस पार्ट्स ऐसा कुछ किया है। और ऊपर से भाई का इतना शौक है, यहाँ पे एंटोर्क में 130 सेक्शन का टायर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 130 सेक्शन का टायर लगा हुआ है ये, बल्कि 130 सेक्शन का टायर हमेशा NS में आता है, भाई ने ये स्कूटी में लगा दिया है, भाई का इतना ज़्यादा शौक है। और इसका सिस्टम कैसा है एक बार मुझे बता दो, क्या खर्चा हुआ, कैसे किया? ये एग्जॉस्ट कहाँ से खरीदा? ये एग्जॉस्ट अमेज़न से खरीदा था। अमेज़न से खरीदा। और ये बैंड पाइप 599 का, कितना से? 4599 रुपीज़ इस एग्जॉस्ट का पड़ा। उसके बाद ये तो स्क्रैप से लिया। स्क्रैप से लिए, क्या चीज़ है बेसिकली? 220 का वो कार्बोरेटर जो बोलते हैं ना हाँ, वो ही है। 220 का कार्बोरेटर ही है हाँ। भाई साहब, एग्जॉस्ट में कार्बोरेटर लगा हुआ है, और इसको कैसे तुमने क्या किया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है अभी। तो उसको पहले में तो वो यहाँ पे दो
छेद होता है हाँ। तो दोनों को कट करके हाँ। इसको बंद कर दिया हाँ। बंद करने के बाद यहाँ एग्जॉस्ट पाइप जो होता है हाँ, ये जो एग्जॉस्ट पाइप कट करके हाँ। यहाँ पे वेल्डिंग कर लिया। यहाँ पे एक पाइप तुमने वेल्डिंग हाँ, किया ना पाइप वेल्डिंग और इसके साथ इसको फिक्स किया हाँ, फिक्स। और ये वेल्व का सिस्टम कैसे किया? ये वेल्व का सिस्टम यहाँ से यहाँ पे चौक दिया हुआ है और जब इसको हम लोग पुल करते हैं तब वाल्व वहाँ से खुल जाता है, ऐसा ही है ना? सो यहाँ पे जो पुराने गाड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा कि चोक का सिस्टम होता है, यहाँ पे वही सिस्टम लगा हुआ है। जब इसको हम लोग पुल करते हैं तब यहाँ से एक जो वायर है मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि वो वायर इसको खींचता है। एक बार अच्छे से आप लोगों को दिखाते भाई साहब, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैंने देखा है। जब इस वाले चोक को हम लोग जब ऑन करते हैं तब ये देखिए यहाँ पे जो वाल्व है ये खुल जाता है और इसके थ्रू से ये एग्जॉस्ट खुलता है। एक बार फिर से बंद करके लगा के दिखाओ तो ये देखिए वाल्व अभी बंद हो गया है। खोलो इसको एक बार, ये देखा खोल गया है। यही एक सिस्टम है, इसी से ये सारा काम होता है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड को छेद करके हाँ यहाँ पे केबल और आउटडोर के साथ में हाँ ये अंदर से जाके नीचे से वो ऊपर उठा दिया। भाई बहुत डेंजरस है, भाई का दिमाग बहुत ज़्यादा है, इस तरह काम किया है। बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि ये आफ्टर मार्केट किया हुआ है, लग रहा है कि ये कंपनी की तरफ से आया है। इतना मतलब क्लीन लुक है और इतना क्लीनली काम किया हुआ है, एकदम कोई भी जुगाड़ू काम नहीं लग रहा है, एकदम प्रोफेशनल काम हुआ है यहाँ पे। भाई साहब एक बार स्टार्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या हुआ यार। अब ब्रेक ये देखिए, अभी स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ है गाड़ी और अभी हम लोग खोल देते हैं इस चीज को, अभी देख सकते हैं आप लोग। देखिए अगर आप लोगों को लग सकता है कि ये फेक है पर ये फेक नहीं है, एक बार हम लोग दिखा देते हैं इस चीज को भी। देख सकते हैं इसके अंदर से भी हवा निकल रही है, अगर किसी अगर कुछ कुछ बंदे को लग रहा होगा। अभी एक बार बंद कर देते हैं, देखना बंद हो गया है। देख सकते हैं अभी एग्जॉस्ट काम नहीं कर रहा है, अभी खोलने के बाद फिर से काम करने लग जाएगी। भाई साहब बहुत ही बढ़िया काम किया है। और ऑल टोटल तुमको कितना खर्चा पड़ा इस चीज़ को बनाने में? टोटल तो इसका एग्जॉस्ट का पड़ा 4599 हाँ। और वेल्डिंग ऐसा कुछ छोटा मोटा सामान खरीद के हाँ। पकड़ लो 5600-700 के अंदर ये काम हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार गाड़ी को चलाते हैं यहाँ से वहाँ तक, चला के उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3, 2, 1। सो गाइस एक बार गाड़ी को चलाते हैं। अभी तो फिलहाल मैं स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ चला रहा हूँ। यार बहुत ही अनोखा चीज़ मैंने देखा है आज पहली बार, बहुत ही डेंजरस चीज़ है ये। अभी देखिए मैं भागाते भागाते एग्जॉस्ट का जो वाल्व है वो खोल रहा हूँ। माय गॉड, एक बार हम लोग यहाँ से फ्लाई बाई देते हैं तो जाके मज़ा आएगा। सो एक बार गाइस ये चीज़ हम लोग स्टॉक एग्जॉस्ट से कोशिश करेंगे, उसके बाद ऑस्टिन रेसिंग से कोशिश करेंगे और दोनों में ही बहुत मज़ेदार साउंड आने वाला है, बिलीव मी। ताकि आप लोगों को भी एक डिफरेंस पता चल जाए और अगर आप लोगों को भी सेम काम करवाना है तो ज़रूर से हमें नीचे कॉमेंट करें ताकि हम लोग भी ये चीज़ आप लोगों को दिखा पाए, ताकि ये चीज़ और भी लोगों के पास पहुँच पाए। एक बार फ्लाई बाई देते हैं अभी। स्टॉक के साथ इतना मजा नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं हम लोग वाल्व को ओपन करते हैं। यार इंस्टेंटली यू कैन फील द डिफरेंस मैन। Next level man. Hi sahab, can you just hear the sound? How this machine roars man. भाई ने क्या दिमाग लगाया है, 220 का जो कार्बोरेटर आता है बस उसी से ही थोड़ा बहुत दिमाग लगा के
इस चीज़ को बना दिया है घर पे ही। और ये सब चीज़ें बस इंडिया में हो सकती है, बाकी कहीं नहीं हो सकती है यार। मज़ेदार यार, फक मैन। तो भाई साहब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई साहब, ऐसा काम मैंने पहली बार देखा है। और आप लोगों को और एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट, ये रहा हमारा ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट, ये रहा हमारा कार्बोरेटर जिसको जुगाड़ लगा के इसको वाल्व की तरह बनाया गया है, ताकि जब हम लोग इस वाले चोक को जब हम लोग पुल करते हैं तब इस चीज़ से वाल्व खुल जाता है यहाँ पे। और एक बार देख सकते हैं ये जो है ये वाल्व को खोल देता है यहाँ से, और उसी से ही साउंड जो है बहुत साउंड में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसी के साथ ही गाइस आई गेस कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि स्कूटी में किस तरह काम हुआ है भाई साहब। और एक बार देख लो, यहाँ पे ऑस्टिन रेसिंग है, यहाँ पे स्टॉक एग्जॉस्ट है, जब मन चाहे तब इससे भी साउंड निकाल सकते हैं, जब मन चाहे इससे भी साउंड निकाल सकते हैं। एंड आई गेस कि आप लोगों ने ऐसा अनोखा स्कूटी कभी नहीं देखा होगा, वो भी एंटॉर्क में। एंड एज यूजुअल गाइस आई होप कि आप लोगों को आज का हमारा ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगे तो बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम हैंडल हमारा नीचे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं सौरभ आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।